हवाले ने क्या किया इसको अर्शदीप को कि आप किसान जींस डालता है। अखबारों में विज्ञापन निकालना, सोशल मीडिया पर हैशटैग ट्रेंड करवाना, ये सब काम गरीब किसान सिर्फ अपनी ताकत के दम पर कर ही नहीं सकता। गरीब किसान को ये समझ में ही नहीं आएगा कि वो अपने इस आंदोलन को लेकर हैशटैग कैसे बनाए। आई एम सन ऑफ फार्मर, आई हैव स्टडीड इन कॉन्वेंट स्कूल। एक अनपढ़ किसान से बाइट लेकर कि हाँ जी हमने इंदिरा को ठोका था तो हम मोदी को भी ठोकेंगे, जो ये धमकी दे रहे हैं कि जो हाल इंदिरा गांधी का किया था वही प्रधानमंत्री मोदी का भी होगा, तो उसकी बाइट को वो हेडलाइन में घुमा रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है। ये मीडिया का सवाल होता है, आप बताइए कि आलू कैसे उगता है। आप यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं किसानों के, उसमें आपने कभी हल पकड़ा है? इस देश के कृषि मंत्री जो है उसने हल पकड़ा कभी? अगर यहाँ पे हम लोग किसानों का समर्थन देना है तो हमें किसान होना पड़ेगा कि हम अनाज नहीं खाते? बताइए, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मेरा मन जो है गंगा जल जैसा निर्मल है, ये कानून भी इसी तरह का है। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। भरोसा क्यों नहीं कर रहे आप लोग जो पूरी सरकार कह रही है? देखिए प्रधानमंत्री जी के भरोसे की जो आप बात पूछ रहे हो, इसके लिए तो मैं आपको बता दूं, आप याद पीछे जाइए थोड़ा, नोटबंदी के वक्त भी मोदी जी ने यही कहा था पूरे देश को। बिल में ऐसा क्या दिक्कत है? मैं बता रहा हूँ, उनके विश्वास की बात पूछ रहे हो आप। और अभी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे संवाददाता देते हुए भोपाल भी आपको लेकर चलेंगे अलग अलग हिस्सों से। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। जाती है जो इनके ऊपर जो दलाली का जो डब्बा लगा हुआ है ना, वो अपना पहचान में आ जाता है। जी पत्रकार मोदी जी, क्या कहना चाहोगे? ये जो इस तरह से आपके साथ हो रहा है, क्यों ऐसी नौबत आ रही है? जी जी क्यों ऐसी नौबत आ रही है? नहीं बताइए आप। सर मैं बता रहा हूँ जी, तो मोदी मीडिया जी, हम पंजाब में 2 महीने से बैठे हैं, आप कहाँ थे, आज यहाँ आ गए हैं, तो आप करा रहे हैं ऐसे हैं। नहीं, हम नहीं बात करेंगे आज तक से, नहीं करेंगे बात। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। कि आप इस बिल में ऐसा लिख रहे हैं कि एसडीएम और डीएम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो आप इसमें एक लाइन और जोड़ दीजिए कि किसान के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। 13 तारीख को मीटिंग हुई, मंत्री 3 थे, उसमें हमारा सवाल था कि कौन से किसान ने आपसे ये भला करने की डिमांड की थी, या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने भला करने की डिमांड की थी? कुछ लोग क्या अपना एजेंडा साध रहे हैं? किसानों को भड़काने की साजिश रचने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? गौरी मीडिया को झूठे दिखाएंगे। ये फिल्म सिटी का विरोध है या फिर योगी के विकास मॉडल का? ग्रेटर नोएडा में नई फिल्म सिटी के बनने से क्यों लग रहा है डर? 100 साल से वो काम कर रही है जो ट्राइड एंड टेस्टेड है, हर किसान को उसकी समझ है। एक मंडी जो इन्होंने बनाई उसमें कायदा कानून ही नहीं, कोई भी आदमी उसे कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं। चोर चोर हाय चोर, मोदी के चले, मोदी के चले, मोदी के चले, मोदी के चले। गजब बेइज्जती है।